हेलो फ्रेंड्स, वन प्लस नॉट का एंड्रॉयड 11 अपडेट को पॉज कर दिया गया है और ये जानकारी ऑफिशियल फोरम पे पोस्ट करी गई है, जिसमें लिखा है कि टेम्परेली पॉज्ड द रोल आउट ऑफ एंड्रॉयड 11 अपडेट क्योंकि इसमें कोई बग्स पा लिया गया है। जो है अब इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इसका नया अपडेट रिलीज जो है वो जल्द से जल्द रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन कंपनी ने इसका कोई भी टाइमलाइन मेंशन नहीं करा है। जिन लोगों ने एंड्रॉइड 11 अपडेट कर लिया है और दिक्कत फेस कर रहे हैं, उनके पास अभी कोई टेम्परेली सॉल्यूशन नहीं है। ये स्क्रीन पे आप ऑफिशियल पोस्ट देख रहे हैं जो कंपनी ने पोस्ट करा है। एंड्रॉइड OTA अपडेट डाउनलोड करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। लेटेस्ट एंड्रॉइड न्यूज़ के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, जो कंपनी ने डिटेल पोस्ट करा है उसमें बग के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करा है, लेकिन कुछ यूजर्स हैं जिन्होंने बता दिया है कि उन्हें क्या क्या दिक्कतें फेस हो रही हैं, जैसे कि फास्ट बैटरी ड्रेन, ऐप क्रैश हो रहा है, नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है उनको व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे, इसी के साथ लैगी एक्सपीरियंस भी हो चुका है उनके फ़ोन का। ठीक है, हालांकि अभी बीटा अपडेट जब आया था इसका, उसमें ये दिक्कत नहीं आई थी जनवरी के इसी साल में। वन प्लस सेवन सीरीज की अगर बात करें तो वन प्लस सेवन टी सीरीज को भी बीटा अपडेट जनवरी में मिला था, अभी भी स्टेबल रोल आउट नहीं हुआ है। अब जबकि ये दिक्कत आ चुकी है वन प्लस नॉर्ड में, तो एंड्रॉयड 11 अपडेट वन प्लस सेवन और सेवन टी को कब तक मिलेगा इस पे कोई भी जानकारी नहीं है। वन प्लस नॉट की अगर बात करी जाए तो इंडिया में इसका एंड्रॉयड 11 अपडेट जो है ऑक्सीजन ओवरस 11 अपडेट मार्च के शुरुआत में मिलना शुरू हो गया था, जिसमें कई सारे इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले थे, एम्बियंट डिस्प्ले, इम्प्रूव डार्क मोड, इम्प्रूवमेंट टू द शेल्फ और बहुत सारा। दोस्तों, इस अपडेट के बारे में अगर मुझे कुछ और जानकारी मिलेगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।